एवरीवन, वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास अगेन। आप सभी को याद होगा, इंग्लिश में हम हमारा लेसन नंबर 8 डोरोथी एंड द स्केयरक्रो इस चैप्टर को रीड कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को आधा रीड किया था और आधा समझा था, जिसमें डोरोथी एक गर्ल थी और स्केयरक्रो मैंने आप सभी को बताया था जो किसी भी खेत के बीचों बीच एक पुतला खड़ा होता है, जिसे देख के जो भी बर्ड्स होते हैं वो उस खेत की फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी डोरोथी की, जो कि यूएसए में रहती थी एक लकड़ी के बने घर में। एक दिन तूफान आता है और जो लकड़ी का घर है वो पूरा उड़ जाता है और डोरोथी और उसका डॉगी टोटो भी उसी घर के अंदर होते हैं। जब उनका घर गिरता है तो वो एक अजीब सी जगह पे गिरता है, जहाँ पे वो किन से मिलती है, मंचकिंस से। मंचकिंस कौन होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, मंचकिंस होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, भले ही वो एज में कितने ही बड़े क्यों ना हों। तो उन्हीं मंचकिंस के बीच में एक गुड विच होती है, जादूगरनी होती है, जो उसे बताती है, डोरोथी को बताती है कि उसे जादूगर यानी कि विजार्ड ओस से मिलना होगा, जो उसके घर जाने में मदद कर सकते हैं। तभी डोरोथी जो है वो अपने डॉग के साथ निकल पड़ती है विजार्ड ओस से यानी जादूगर ओस से मिलने के लिए। रास्ते में एक बड़ा सा कॉर्नफील्ड आता है, मक्के का खेत आता है, जहाँ पे वो किसको देखती है, स्केयरक्रो को। और वो क्या देखती है कि जो स्केयरक्रो उसने देखा है खेत के बीचों बीच, मक्के के खेत के बीचों बीच, वो स्केयरक्रो पलके झपकाता है, अपना सर भी हिलाता है, उससे बात भी करता है और उससे ये कहता है कि तुम मुझे यहाँ से नीचे उतार दो, क्योंकि वो एक लकड़ी के पोल पे बंधा होता है। ठीक है, तो डोरोथी उसे हेल्प करती है और नीचे उतार देती है। फिर वो डोरोथी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रही हो। डोरोथी बताती है कि वो विजार्ड ओज के पास जा रही है ताकि वो उसे घर वापस भेज दे। तो स्केयरक्रो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, हो सकता है वो मुझे थोड़ा सा दिमाग दे दें। तो डोरोथी कहती है हाँ, अगर तुम चलना चाहो तो चल सकते हैं। तो हमने यहाँ तक अपना चैप्टर, अपना लेसन रीड किया था, अब हम यहाँ से रीड करेंगे। दैट इज ट्रू, आप सभी को याद होगा, अब हमने प्रीवियस क्लास में रीड किया था कि जब वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है कि मैं एमरल्ड सिटी जा रही हूँ, किससे मिलने, विजार्ड ओस से मिलने, जो मेरी घर जाने में हेल्प करेंगे। तो स्केयरक्रो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ तो हो सकता है वो मुझे थोड़ा सा दिमाग दे दें। तो डोरोथी कहती है हाँ चलो अगर तुम्हारा मन है तो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो तुम्हें दिमाग देंगे या नहीं देंगे। अगर वो तुम्हें दिमाग देते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं देंगे तो तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो अब इसी बात पे चलते चलते स्केयरक्रो क्या कहता है, दैट इज ट्रू, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। यू सी ही कंटिन्यूड, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बींग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट। स्केयरक्रो कहता है कि तुम देख सकती हो मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि, क्योंकि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैर, मेरे हाथ जो है वो स्टफ्ड है, यानी कि मेरे पैर और हाथों को घास फूस से भर के बनाया गया है, तो मुझे कभी चोट लगती ही नहीं, चोट का एहसास होता ही नहीं है, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी बॉडी से। इफ anyone steps on my toes or sticks a pin into me, it doesn't matter, for I can't feel it. वो बोलता है कि अगर कोई मेरे पैर के ऊपर चढ़ जाए या फिर मुझे पिन चुभाए, मुझे मारे, कुछ भी करे, मुझे उससे कुछ भी महसूस नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो चोट लगेगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो किससे बना हुआ हूँ, मैं तो घास फूस भर के बनाया गया हूँ, मेरी कोई बॉडी तो है ही नहीं। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी अ फूल एंड इफ माई हेड स्टेज स्टव विद स्ट्रॉ इंस्टीड ऑफ विद ब्रेन्स एज योर्स इज, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग। तो यहाँ पे स्केयरक्रो क्या कह रहा है, यहाँ पे स्केयरक्रो ये कह रहा है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी जो है वो घास फूस से बनाई गई है, लोग जो अगर कोई मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मुझे पिन चुभाएगा, मुझे मारेगा पीटेगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मेरी तो कोई बॉडी है ही नहीं, मुझे घास फूस से बनाया गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे देखे तो ये कहे कि इसके पास तो दिमाग ही नहीं, क्योंकि बिना दिमाग के तो मैं तो कुछ सोच भी नहीं पाऊंगा, कुछ समझ भी नहीं पाऊंगा, और अगर कोई मुझसे कुछ पूछेगा तो जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि विजार्ड ओज मुझे थोड़ा सा दिमाग दे दे, अगर मेरे पास दिमाग होगा तो मैं सोच पाऊंगा, समझ पाऊंगा, और लोगों से बात कैसे करनी है ये जान पाऊंगा। I understand how you feel, said the little girl, who was truly sorry for him. अब जो डोरोथी होती है वो कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा कि तुम्हें भी दिमाग चाहिए ताकि तुम लोगों से बात कर सको तरीके से, किस तरह से कहाँ पे क्या बोलना है, हर चीज़ के बारे में जान सको।
इफ़ यू फील कम विद मी आई विल आस्क ओस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू। तो ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो जादूगर ओस के पास, मैं और जादूगर ओस से जब मिलूंगी तो मैं भी उनसे बोलूंगी कि वो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग दे दे। थैंक यू ही आंसर्ड ग्रेटफुली। तो स्केयरक्रो क्या कहता है? थैंक यू, उसे शुक्रिया कहता है। दे वॉक बैक टू द रोड, अब वो रोड पे चलने लग जाते हैं। डोरोथी हेल्प हिम क्लाइम ओवर द फेंस एंड दे स्टार्टेड अलोंग द येलो ब्रिक रोड फॉर एमरल्ड सिटी। और वो चलने लग जाते हैं, डोरोथी जो है वो फेंस को पार करने में, फेंस मैंने आप लोगों को बताया था चारों तरफ से जो घिरा हुआ होता है कोई भी एरिया, फिर चाहे वो पत्थरों से घिरा हो, लकड़ियों से घिरा हो, ताकि उस एरिया को कवर कर दिया जाता है अलग से दिखाने के लिए कि ये एरिया किसी और का है, ठीक है, एक बॉर्डर की तरह। तो वो उस फेंस को क्रॉस करने में, पार करने में हेल्प करती है स्केयरक्रो की, और दोनों के दोनों एमरल्ड सिटी की तरफ जो येलो ब्रिक रोड होती है, यानी कि येलो क्या होता है, येलो कलर होता है, पीला कलर कहते हैं जिसे हम, पीले कलर का एक रोड होता है जो एमरल्ड शहर की तरफ जा रहा होता है, उस रोड पे वो दोनों चल पड़ते हैं। टोटो डिड नॉट लाइक दिस एडिशन टू द पार्टी एट फर्स्ट। टोटो जो उसका डॉग था डोरोथी का, उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता है कि मेरे और डोरोथी के साथ एक स्केयरक्रो साथ में चल रहा है, यानी कि हम दो लोग थे अब तीसरा भी कोई हमारे साथ जुड़ गया है। तो टोटो जो उसका डॉग था उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही होती है। ही स्मेल्ड अराउंड स्टफ्ड मैन एज ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ एंड ही ग्राउल्ड इन एन अनफ्रेंडली वे एट द स्केयरक्रो। अब क्या करता है जो उसका डॉग टोटो होता है, वो बार बार स्केयरक्रो को सूंघ रहा होता है और उसमें से स्केयरक्रो में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही होती है, जैसे उसके अंदर कोई चूहा है, ठीक है, स्केयरक्रो के अंदर कोई चूहा है, ऐसी स्मेल आ रही होती है। तो जो डॉगी होता है उसका टोटो, वो क्या करता है, वो स्केयरक्रो के ऊपर ग्राउंड करने लगता है, यानी कि गुर्राने लगता है, ठीक है। डोंट माइंड टोटो सेड डोरोथी टू हर न्यू फ्रेंड, ही नेवर बाइट्स। तभी जो डोरोथी होती है वो स्केयरक्रो से कहती है कि तुम ना टोटो, टोटो तुम पे गुर्रा रहा है तो तुम बुरा मत मानना, ये तुम्हें काटेगा नहीं। ओ आई एम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो बोलता है नहीं मैं डर नहीं रहा हूँ, ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, ये मुझे हर्ट नहीं कर सकता, ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मेरा तो कोई शरीर है ही नहीं, मैं तो सिर्फ घास फूस से भर के बनाया गया हूँ। डू लेट मी कैरी दैट बास्केट फॉर यू। तो अब स्केयरक्रो जो है डोरोथी को कहता है लाओ जो तुम्हारे हाथ में बास्केट है मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, उठा देता हूँ इसे, अपने साथ उठा के चलता हूँ। आई शैल नॉट माइंड इट फॉर आई कैंट गेट टायर्ड, और मुझे कोई इसमें परेशानी नहीं है क्योंकि मैं थकूंगा नहीं, मैं उठा के इसे तुम्हारे लिए रस्ते भर चल सकता हूँ। आई टेल यू अ सीक्रेट। तभी जो स्केयरक्रो होता है वो कहता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं। एज ही वॉक्ड अलोंग, साथ साथ चलते चलते डोरोथी के, वो कहता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं। देर इज वन, ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ। वो कहता है तुम्हें एक बात बताऊं, चुपके से आके कहता है डोरोथी के पास, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है जिससे मैं बहुत डरता हूँ और किसी चीज़ से नहीं डरता। वॉट इज दैट आज डोरोथी, डोरोथी कहती है किस चीज़ से तुम डरते हो? द मंचकिन फार्मर हु मेड यू, वो फार्मर, वो किसान जिसने तुम्हें बनाया था उससे डरते हो तुम? नो आंसर द स्केयरक्रो, इट्स अ लाइटेड मैच। इसी के जवाब में क्या कहता है स्केयरक्रो, कहते हैं नहीं नहीं मैं उस मंचकिन फार्मर से, किसान से नहीं डरता जिसने मुझे बनाया है, बल्कि मैं किससे डरता हूँ, एक लाइटेड मैच से, जली हुई माचिस की तीली से। क्यों डरता है? क्योंकि वो पूरा किससे बना है, वो पूरा घास फूस से भर के बनाया गया है, इसीलिए वो एक जलती हुई माचिस की तीली से डरता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर पड़ जाएगी तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, स्केयरक्रो पूरा जल जाएगा। इसीलिए वो कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डर मुझे जिस चीज़ से लगता है वो है एक जली हुई माचिस की तीली। और उसके बाद वो तीनों के तीनों, यानी डोरोथी, टोटो और स्केयरक्रो, तीनों एमरल्ड शहर की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है, और आगे की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है कि किस तरह से डोरोथी जो है वो स्केयरक्रो से मिली, उसने किस तरह से स्केयरक्रो की हेल्प की, और दोनों फिर फ्रेंड्स बन गए और दोनों ही जादूगर ओज के पास गए अपनी अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। डोरोथी गई ताकि वो हेल्प मांग सके घर वापस जाने के लिए, और स्केयरक्रो गया ताकि वो जादूगर ओज से दिमाग मांग सके। तो यहाँ पे ही हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश होता है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।